मैं नेगी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क और मेरे गांव भणज में। तो गाइस आप सभी लोगों को जो है होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है आपका होली का जो त्यौहार है बहुत ही खूबसूरत रहा होगा और आज जो है आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और आज जो है हम होलिका बनाएंगे घर में और जलाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय आएगा। और वैसे भी होली खेली हमने तो सिर्फ नॉर्मली खेली, घर का काम ही किया आधे से ज़्यादा, बस थोड़ा टीका लगाया और गालों पे गुलाल लगाए, इसके बाद कुछ भी नहीं किया है। तो आज जो है होलिका बनाएंगे और उसको जलाएंगे। तो आप सभी लोगों को जो है होलिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गाइज हम जो है होलिका तो बनाएंगे, तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा गुजिया वजिया बना ले, कुछ पेट पूजा भी तो होनी चाहिए, तो हम जो है थोड़ी देर बाद जो है गुजिया बनाएंगे। गाइज यहाँ पे कृष्णा जो है होली खेल के आ रखी है, ये देख सकते कलरफुल बनी हुई है यहाँ पे। तो मैं अभी जो हूँ कृष्णा के साथ, ये कृष्णा है, तो हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। अब मेरे पास है कंडी, तो फिलहाल लकड़ी लेने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदरों का आतंक, खाती कृष्णा दे बिल्कुल जाना था रूण चैन से, इसकी हरकत है देखो सारे के साथ, जब तो काटो ना। तो हम चले लकड़ी लेके घर और ये कंडी है मेरी। तो गाइज यहाँ पे हमने जो है होलिका बना दी, हमसे जितना हो सका हमने बना दिया है पूरा। तो आप बताइए कैसी लग रही हमारी होलिका। तो इसके लिए और थोड़ा सजावट करते हैं, तो सामान लेके आते हैं, तो उसके बाद जो है जल्दी से सजावट पूरी कर देते हैं इसकी, तो गुब्बारे वगैरह लगा देते हैं। गाइज हमने सब बलून वगून लगा दिए हैं, तो हमने जो है काफ़ी ठीक ठाक अच्छा बना ही दिया है, हम दोनों की मेहनत है ये। तो आप ज़रूर बताएं कि हमने कैसे बनाया है। तो अब रात को जो है इसको जलाएंगे हम, तो फिलहाल के लिए हम खाना पीना बनाते हैं और उसके बाद होलिका जलाएंगे। तो गाइज आज एक सरप्राइज़ है, वो सिर्फ मुझे ही पता है, घर वालों के लिए वो सरप्राइज़ है, आपके लिए भी सरप्राइज़ ही है, तो आपको बाद में पता चलेगा वो सरप्राइज़ घर वालों के साथ साथ। तो गाइस जो घर वालों का सरप्राइज है वो अभी रामपुर है, तो उसे आने में जो है एक दो घंटे तो लगेंगे, तो 9 बजे तक ही पहुंच सकेगा, 8:30 या 9 बजे तक ही पहुंच सकेगा। तो हम अपनी जो है होलिका दहन कर लेंगे, तब तक तो लेट हो जाएगा, चलो तो कोई नहीं, सुरक्षित घर पहुंच जाए और कुछ नहीं चाहिए। आप सभी को फिर से जो है होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ पौराणिक, जो कि होली से रिलेटेड है, होलिका दहन से, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन जो है बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो सुनाती हूँ मैं आगे की कहानी। आज की कहानी जो है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की है। तो हिरण्यकश्यप जो है एक राक्षस था और उसका पुत्र जो है प्रहलाद था, और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता हिरण्यकश्यप जो है भगवान विष्णु को अपना शत्रु मतलब दुश्मन मानते थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बहुत समझाता था कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो, लेकिन वो अपनी जिद से हटे नहीं, वो फिर भी हमेशा उनकी पूजा करते रहते थे। प्रहलाद को उनके पिता ने मानने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से परेशान हो गया था, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका ने कहा कि मुझे अग्नि जो है छू भी नहीं सकती है और मुझे जला भी नहीं सकती है, क्योंकि मुझे वरदान मिला है। तभी होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि चिता में बैठ जाऊंगी और उसका हृदय से जो भी नकारात्मक शक्ति है जिसकी वो भक्ति करता है उसको मैं जो हूँ मिटा दूंगी। और हुआ ऐसे कि भगवान विष्णु की माया ऐसी थी कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का जो है बाल भी बाका नहीं हुआ। ये सब जो है भगवान विष्णु की कृपा थी और प्रहलाद की भक्ति का चमत्कार था। उसी दिन से जो है हम होलिका मनाते हैं और होलिका का अर्थ यही है बुराई पर अच्छाई की जीत।
तो हमने होलिका दहन तो कर दी है और अब थोड़ा पेट पूजा की तरफ चलते हैं। आज हम जो है गुजिया बना रहे हैं, तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं गुजिया। सरप्राइज सरप्राइज ना ना क्यों मोड़ का कुछ नहीं पता ही तुम्हें क्या चल रहा है स्कूटी मामा सरप्राइज सरप्राइज कैसा लगा आपको सरप्राइज सब ये सरप्राइज ये मन भी नहीं बजा मैं तो बोल चुका ना ना बते बोलता मैं नहीं बताई तेरे साढ़े पांच में तो बोल जो मेरा सरप्राइज ये था कि भैया आ रहे थे आज घर तो उसको पहुंच गया और 8:30 बजे जल्दी पहुंच गया और सरप्राइज को थोड़ा चाचा ने बता दिया कि पापा को कि वो आ रहा है तो खूब डांट पड़ी है बहुत ज्यादा डांट पड़ी भैया को इतनी रात में क्यों आ रहा है क्या आने की जरूरत थी ला ला ला। अब भाई के बैग में निकली मिठाई मी 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 मिठाई मिठाई OMG 3 डब्बे मिठाई के कौन सी मिठाई है ये लाल लड्डू है और ये बिस्किट का पैकेट है 2 ये अंगूर भी मिला हमको 1 अब जो है गुजिया को जो है टेस्ट करते हैं। बहुत मेहनत के बाद जो है हमने बना दी है, तो थोड़ा टेस्ट की जाए। तो गाइज ये रहा गुजिया, छोटा छोटा है, गरम गरम है, मैंने बनाया है। आज देखते हैं कैसे बना, पहली बार तो नहीं, दूसरी टाइप बार बना रही हूँ मैं, और गरम पहली बार बना रही हूँ, तो टेस्ट करते हैं। तो गाइस अच्छे बना रखे मैंने, बहुत अच्छे। कम आऊं नहीं है वो है सॉफ्ट है ना सॉफ्ट होने है चटर मकम दे ऐसे मेरा कमाल किसने बनाया मैं हां है बढ़िया होने जिसे बोलो है ना अरे वाह वाह इतना अच्छा बनाती हूँ मैं, देखा कितना अच्छा बनाती हूँ, देखा कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। तो लोग शक करते हैं खाना अच्छा नहीं बनाते, वो बात ये है कि बनाती नहीं हूँ मैं, आता सब कुछ है।